गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज देखो कितने बच्चों ने ईंटें देखी हैं। ईंटें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती ना ईंटें। यस सर। तो आज हमने क्या करना है, एक ईंट लेनी है और ईंट को नाप के देखना है। ठीक है आप देखो। yes, ये हमारे पास एक ईंट। ठीक है yes, sir. तो ये कितने लोगों ने ये ईंटें देखी हैं पहले? yes, sir. सब बच्चों ने देखी हैं। yes, sir. तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो ये ईंटें हैं, इस ईंट में कितनी सतहें हैं? दिखाओ जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक नीचे से 6। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो बुक है, हमारे पास बुक में एक क्वेश्चन है और उसमें ये बोल रहे हैं कि एक ईंट को लेकर उसे मापो, उसकी लंबाई कितनी है। तो आप इसकी लंबाई नाप सकते हैं हम? yes, तो नाप के देखो। हाँ, ये वाला स्केल कहाँ लगाओगे? इसके 0 वाले कॉर्नर में। अब देखो कितना आ रहा है ये? 22 सेंटीमीटर। नोट करो यहाँ पे, लिखो एक बच्चा 22 लिखो 22 लंबाई में। हाँ 22 सेंटीमीटर लिख दो, cm। ओके आप देखो, आप इसकी चौड़ाई नापो इसी से नापो। हाँ 0 से शुरू करो, 0 से और आगे 0 से आगे 10 और आगे देखो, 0 से नहीं 10 नहीं है, और इधर करो। हाँ बिल्कुल इसी सीट में रखो। कितना आ रहा है? 10, 5। कितना आ रहा है? 9.10 नहीं, देखो यहाँ देखो ना, ढंग से देखो। 9 नहीं, कितना आ रहा है? 0 से शुरू किया और 10 पे जा रहा है ना ये। yes, कितना है लिखो? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हाइट नापो, हाइट स्केल से नाप लो। बुक वाले स्केल आपको तब यूज करना है जब आपके पास छोटा स्केल से पूरा नहीं आ रहा है। अगर छोटे स्केल से पूरा आ रहा है तो फिर छोटे स्केल से नापो, क्योंकि छोटा तो आपके पास है 15 सेंटीमीटर वाला। 7 सेंटीमीटर। ओके 7 सेंटीमीटर लिखो। 7 मीटर। ठीक है। अब देखो, मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 सेंटीमीटर को। हाँ लंबाई से करना है, हमें लंबाई चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करेंगे हम? लंबाई से। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई 22 सेंटीमीटर। हाँ 22 से, तो 100 को हम क्या करेंगे, 22 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो लगभग कितनी ईंटें चाहिए होंगी उसे? 5। यहाँ पे लिखे हो 5। हाँ कितनी ईंटें चाहिए उसे? 5। ठीक है। तो मतलब 22 की एक ईंट हो गई, 22 की दूसरी हो गई 44, फिर तीसरी हो गई 66, फिर चौथी हो गई 88 और पाँचवीं ईंट हो गई। तो 88 में आप 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 110। तो मतलब 10 सेंटीमीटर हमारी जो वो पांचवी वाली ईंट है वो क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो उसको हम क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे और वो वाली जो दीवार है हमारी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? yes, कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर yes, है? yes, sir.